नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं आम के पेड़ की ये जो स्टेम है, टहनी, इसमें देखिए ये सफ़ेद कलर का ये लगाया हुआ है पूरा। आपको सुन के हैरानी होगी कि ये किस लिए लगाते हैं। बहुत बड़े बड़े पेड़ में भी देखिए आपको लगता है पेड़ के जो साइड स्टेम जो है उसके टहनी में पूरे इसमें व्हाइट कलर का कुछ लगाया हुआ, तो उनको लगता है कि ये कोई डेकोरेशन के लिए या कोई डिजाइन के है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आम का पेड़ या बहुत सारे फलों का पेड़ होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेम में देखिए ये फंगस लग जाता है, ये रस्ट लग जाता है, ये मिल्लू का प्लग है। इससे क्या होता है, ये जो फंगस काला होकर ये पूरा काला होकर यहाँ पर तक ख़त्म कर देता है। और कोई कोई टाइम देखते हैं ये जो पत्ता है, ये पत्ता जल जाता है पूरा। उसके लिए भी आपको मोरोबेन जो फंगिसाइड है, बहुत सारे फंगिसाइड आप दे सकते हैं जो न्यू, लेकिन सबसे सस्ता अगर आपके पास चाहिए, आपके पास है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दे सकते हैं, ये ब्लू कॉपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, सबसे आसान आपके घर में है ये जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, बोर्डेक्स मिक्सचर, ये बोर्डो मिक्सचर भी कहते हैं। ये बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये जो पूरा लगाया हुआ है ये बोर्डो मिक्सचर है, ये देख लीजिए पहले नीचे चले जाए तो कैल्शियम का चीज है, और ये जो लगा एक्स्ट्रा जो है ये आपको कैल्शियम का भी काम करेगा, क्योंकि इसका कॉपर के भी काम करेगा। आपका कॉपर भी पौधे के लिए चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए, तो कॉपर और कैल्शियम दोनों का काम करेगा। और आपका फंगस भी नहीं लगा, जितना भी फंगस लगा हुआ है पेड़ में, जितना कालापन है सारा खत्म हो जाएगा और आपका पौधा बिल्कुल चंगा हो जाएगा। और पौधे की जो हाइट है, अगर आपके पास पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप ये जो है बोरोडो मिक्सचर ये लगाइए आप, इसका पौधे की हाइट भी बढ़ जाएगी। इसमें दो आइटम होता है, एक चूना होता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और एक होता है कॉपर सल्फेट जिसको हम तूते कहते हैं, जिसको आप नील तूते भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ दिखाऊंगा मैं, कैसे बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा, कैसे इसको पेस्टिंग करते हैं ये हमारे टिंकू राय दिखाएंगे कि कैसे इसको पेस्टिंग करते हैं। पेस्टिंग करने के बाद ये पौधा बिल्कुल सही हो गया, देखिए ये पूरा काला हो गया था, काला होकर इसका पत्ता पूरा झड़ गया था, लेकिन इसके बाद करने के बाद ये पौधा बिल्कुल सही हो गया, नया पत्ता भी आ गया बिल्कुल, देखिए। और ये पत्ता जलन की प्रॉब्लम थी, ये देखिए यहाँ से नया पत्ता भी आना शुरू हो गया, इससे क्या हो गया सारा प्रॉब्लम मिट गया। तो आप अगर आप फल का पौधा लगाते हैं, इसे पत्ता के जलन या फिर टहनियों के सड़न का पौधा है, या फिर आपका जो है काला रंग का जो पाउडर ही मिल्डू आ जाता है, तो इसको आपको मिटाना है, तो आप ये बोर्डो मिक्सचर कैसे बनाते हैं देखिए। पहले हम टिंकू राय से देखते हैं कैसे इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने में करीब 24 घंटे लगता है, कैसे इसको दो अलग अलग से आपको भिगोने पड़ता है, फिर इसके बाद जब इसका पेस्टिंग करेंगे इसके एक घंटा पहले इसको मिक्सचर करके फिर इसका पेस्ट करने पड़ते हैं। चलिए टिंकू राय से सीखते हैं कैसे ये बनाते हैं, किस रेशियो में कैसे बनाते हैं। देखिए रेनिए एक चम्मच नील तूते, एक चम्मच नील तूते एक टाते पात तूते दिला, अच्छा, और होच्छे तीन चम्मच इस संगे चून, चून अगर हमारा जेतु छोटो गाचे देवो बड़ो गाचे देवो ना, बड़ो गाचे होले अपना तीन सेकंड बेसी लग सेकंड परिमाण कम होता हाफ आप होइए तीन चम्मच चून छोटो गाचे जिन्न होलो बस और किचु लगे ये बस जल कोता है চামচ দিয়ে চামচ কিছু খারাপ হবে না, কপার সালফেট চামচ খারাপ হবে না। ওকে দাও ওকে দাও না, ও থাক না, অসুবিধা নেই, ও ডিস্টার্ব করলেই ভালো। दोस्तों, ये अच्छी तरह से घोल के आपको 24 घंटे रख देना है, और जब आप लगाएंगे उसके एक घंटा पहले आपको ये जो दोनों है ये दोनों मिक्स करना है आपको। ये दिखाऊंगा मैं आपको, इस तरह से दोनों लेके आपको 24 घंटा रखना है पहले, 24 घंटा मिक्स करने के बाद फिर आपको ये दोनों मिला लेना है। मिलाने के बाद ये आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, ये आपको पेस्ट करना है, ये आपको ज़रूरी है। और इसको आप ध्यान रखें कि 24 घंटे का पहले नहीं करें, 24 घंटे भिगोने के बाद ही ये जो है आपको बोर्डो मिक्सचर का लिक्विड जो है इसको करने के बाद आप इसमें इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन ये आपका नियम दिखा दिया आपको। चलिए देखते हैं, ये पत्ता जो जल गया है इसको भी आप लगा दीजिए, इसमें भी आपका नया जो पत्ता है वो नहीं जलेगा आपका, ये भी काफ़ी शुद्ध हो जाएगा और ये जलने वाला भी प्रॉब्लम मिट जाएगा। तो ये आपको दिखाया मैंने, उम्मीद है दोस्तों इस तरह से आप करिए, आपका जो कोई भी फल का पौधा हो इस तरह से आप स्प्रे करिए, पेंट करिए, और आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।